Hi everyone, good morning. My name is Tejaswita. Welcome to my channel. अभी हो रहे 5:50 AM, बाहर अंधेरा है और हम जा रहे ओल्ड दिल्ली का टूर करने साइकिल से. ये टूर ऑर्गेनाइज कराया है दिल्ली बाय बाइक ने. मैं उसके लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. और हम घूमे गए इसमें चांदनी चौक, चांदी बाजार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, स्पाइस मार्केट एंड लास्ट में तिब्बतियन कॉलोनी. उसके लिए हम मेट्रो से जाएंगे लास्ट. और मैं यहाँ दिल्ली गेट ऐड करना भूल गई थी स्टॉप के लिए. और उससे पहले हम 8 किलोमीटर साइकिल से कवर करेंगे. लेट्स गो. पुरानी दिल्ली जो बसा हुआ है यमुना के किनारे, आज हम इसी को घूमने जा रहे हैं, वो भी साइकिल से. सुबह सुबह 6:30 बजे हम पहुंच गए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो कि चांदनी चौक के बाहर ही था. एग्जैक्ट लोकेशन थी होटल ब्रॉडवे, बट दिल्ली बाय बाइक मीटिंग पॉइंट से भी गूगल और ओला उबर पर आसानी से मिल जाता है. स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचते ही हम मिले अपने इंस्ट्रक्टर से मिस्टर तंजीन और इस टूर पर आए हुए बाकी लोगों से. और फिर हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें इस टूर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और थोड़े बेसिक रोड सेफ्टी और साइकिल रूल्स बताए. और यहाँ हमारा शुरू हो गया साइकिल टूर. हम चल दिए अपनी पहली लोकेशन देखने दिल्ली गेट. शाहजहाँ ने जब ये शाहजहाँबाद बसाया था, यानी ये दिल्ली, तो इसके 14 एंट्री गेट थे जिसमें से एक था दिल्ली गेट. So Delhi, as today you know, is built by 7 different empires from 7 different periods. ये गलियां आपको सुबह के टाइम ही खाली दिख सकती है, वरना दिन में तो ये इतना बिजी मार्केट है, यहाँ चलना भी भारी हो जाए. नेक्स्ट स्टॉप था हमारा जामा मस्जिद के सामने खाने वाली गली, जो कि फेमस है अपने नॉन वेज के लिए. आपने करीम्स तो सुना ही होगा या फिर जामा मस्जिद के कबाब्स. और वहाँ पहुँच के हमने सुनी थोड़ी कहानी और जानी हिस्ट्री ऑफ दैट स्ट्रीट. They've been serving the royal food for the last 112 years or so. Right. And over there you see guys talking over there on the left, right. So they're all waiting so that somebody would buy them their breakfast. And they're coming here. Yeah, right. Called Shahi Chukra, made mostly from red rock. Called Shahi Chukra over there. There's rubbery, but then filled with pistachios and whatever dry fruits you have. Delicious. After the heavy food, you will come here. But then... Jama Masjid, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है. But if you look over here, do you see a painting over the wall, in a wall? Yeah. Like I said, you have to scratch the surface. Right. So this is the very place where the Imam of the mosque would tie up his elephants at night. But if you go inside this huge place. And the family still lives here. This is how it was, the balcony. So this is basically a Jain neighborhood. Right? Then you have Delhi with Iron Hand, but then with change of king, the king who was not really into administration. But right, so these signs, if you are wondering, is swastika or swastik. It's a Sanskrit word, right? It has been used. ये था हमारा सेकेंड स्टॉप खजान गली. हम अभी एक हवेली के अंदर गए थे. अब हम वापस अपनी बाइक पे जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए. यहाँ पर हम थे मेन चांदनी चौक की स्ट्रीट पर और यहाँ सामने था एक चर्च और हमारे लेफ्ट में फेमस गुरुद्वारा और हमारे राइट साइड इसी रोड की एक एंड पर था एक हिंदू टेम्पल और एक जैन टेम्पल, जिसको हम पास से देखने जा रहे हैं.
और हमने देखा मस्त सनराइज, वो भी दिल्ली में कितने दिनों के बाद, बादलों में से निकलता हुआ लाल किले के पीछे से। आह क्या नज़ारे थे। और फिर हमारे गाइड हमें ले गए किसी छुपी गली के छुपे रास्ते की छुपे जीने से किसी छत पर, जहाँ से हमने क्या नज़ारे देखे चांदनी चौक के। और यहाँ हमने देखा सुबह सुबह दिल्ली को उठते हुए। Sick man, right? So they have no backing from NGOs, they have no backing from government. All done by themselves, initially from their own pockets, now slowly, now this. But people still refer to this place as company bar. It's the company bar. And Dharam Shala, which is a hotel for Mount Congress. Hi Anna. Deji. Okay. Sachi. So this boss was basically built by the king for another wife. Where she was not too happy as Taj Mahal was built for only one wife. Next one. अब हम जा रहे हैं स्पाइस मार्केट और हम पिए गए चाय यहाँ पर, मसाला चाय। संडे होने के कारण यहाँ सुबह कम हलचल थी और दिनों के मुकाबले, और यहाँ की हवा में भी मसाले फील हो रहे थे। ये मार्केट पूरे एशिया की सबसे बड़ी होलसेल स्पाइस मार्केट है। चावड़ी बाजार में और हमारा साइकिल टूर ख़त्म हो गया है यहाँ पर। हमने साइकिल छोड़ दी है, अब हम यहाँ पैदल घूमेंगे और फिर मेट्रो से जाएंगे। अब हम आ गए हैं मजनू का टीला, तिब्बतियन मार्केट, और मेट्रो स्टेशन से हम आए थे एक ई रिक्शा लेकर। अब हम जा रहे हैं मार्केट में, हम जाएंगे अमाज कैफे ब्रेकफास्ट करने।
is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it. So our trip ended. अम्मास कैफे पे हमने ब्रेकफास्ट करा. अब हम खुद से, मैं और मेरे दोस्त, एक्सप्लोर कर रहे हैं मजनू का टीला वाली मार्केट, तिब्बतियन जब हम आए थे सुबह, काफ़ी शॉप्स बंद थी. अब सारी मार्केट खुलने लगी है. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. यहाँ ये दीदी बना रही है लाफिंग. ये एक तिब्बतियन डिश होती है. So, हमारी ट्रिप खत्म हो गई. अब हम वापस जा रहे हैं. सच्ची इधर देख, पता कैसी थी? It was a very, very nice experience. Yeah, we were four people, हम दोनों और दो जर्मन लोग थे, अन्ना, अन्ना एंड डेविड. एंड हमारे गाइड थे हमारे साथ, दो गाइड थे एक्चुअली. उनका नाम था तेंजीन. So it was a good experience. You guys should also come to Delhi and do this experience. Yeah, it was very fun. और सुबह बिल्कुल भी रश नहीं होता. अब तो बहुत ज़्यादा crowded हो गया है. क्या time हो रहा है साची? It's 12:07. Okay, 12:07. हमारा tour 10:30 तक का था. Around 11 खत्म हुआ होगा शायद. Right. Yeah. Which includes breakfast also. Yes. And metro की ticket भी उसमें included थी. हम कौन से स्टेशन से आए थे? राज्यसभा, विधानसभा से. विधानसभा से यहाँ कौन सा स्टेशन था? विधानसभा से भी डिड मेट्रो नहीं है तो विधानसभा से हम इलेक्ट्रिक रिक्शे में आए तो उससे पहले. अच्छा, चावड़ी बाजार से हम चढ़े थे विधानसभा तक के लिए. ओके, बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.